नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं प्रिंस एग्रो इंडस्ट्रीज बरनाला पंजाब, और जानते हैं इन शानदार थ्रेशर के बारे में, क्या इनका उपयोग है, क्या क्वालिटी, क्या फीचर के साथ ये आते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी फैक्ट्री में किसानों तक हमारी जानकारी थ्रेशरों की पहुँचाने के लिए। बिल्कुल सर, हमारे किसान भाइयों को इस शानदार थ्रेशर की एक एक जानकारी दीजिए। थ्रेशर के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं, कैसे क्या क्या काम करता है, क्या क्या क्वालिटी है इसमें। पहले तो ये इनकी कन्वेयर बेल्ट है, इसमें अनाज मतलब जो भी हमारा मक्का है, भुट्टा है, इसको इसमें डालना पड़ेगा। डालने के बाद अपने आप इसकी थ्रेसिंग हो जाती है। थ्रेसिंग के बाद जो दाना आता है, भुट्टे का दाना आएगा, वो एलिवेटर से आ जाता है। जैसे आप इसमें बोरी भी लगा सकते हो और ट्रैक्टर ट्राली में भी भर सकते हैं इसे। एलिवेटर की क्वालिटी बताइए कि चैन ऑपरेटेड है, पट्टा वाला है, कैसा है? इसमें चैन पैड वाला एलिवेटर बोलते हैं इसको, चैन चलती है इसमें, चैन के ऊपर पैड लगती है इसमें, हाँ वो एलिवेटर है इसमें। सर यहाँ पे मैं एक ये प्लेट देख रहा हूँ, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये हमारी जैसे सीरियल नंबर होता है थ्रेसर का, ये अप्रूव्ड बाय हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसमें अलग अलग स्टेटों में सभी में सब्सिडी भी मिल जाती है किसानों को। सर ये बारकोड क्या है, ये क्यूआर कोड क्या है? एक क्यूआर इसमें वेबसाइट ओपन होती है। अच्छा, किसान भाई इसको स्कैन करके जानकारी ले सकते हैं इसकी। अच्छा सर, एक घंटे में लगभग क्या कितना मक्का ये निकाल देगा? एक घंटे में ये 60 से 65, 80-85 के क्विंटल के आसपास निकाल देता है। हाँ जी सर, इसको कितने एचपी का ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट है? इसमें 35 HP का ट्रैक्टर चला सकते हो, छोटे से छोटा जो होता है। तो जैसे इसमें टायर देख लो, टायर 6-16 के टायर लगे हुए हैं इसमें, बढ़िया क्वालिटी के हैवी। तो बाकी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई टायर बड़ा लगवाना चाहो तो वो भी लग जाएगा इसमें। सर इसके पंखों के बारे में कुछ जानकारी? पंखे इसमें 3 ब्लोअर तो ये लगे हुए हैं। तो इसमें एक जो ट्रैक्टर छाने को हवा देता है, एक ब्लोअर ये लगता है, इसमें 4 फैन लगते हैं टोटल। जो इसका ये पंखा लगा हुआ है, डायरेक्ट छानों को हवा देता है, जो इसमें कचरा वगैरह होता है वो डायरेक्ट उड़ जाता है इससे। सर इस टोटल वेट की बात करें इस मशीन की, तो कितना वेट आता है? वेट इसका हो जाता है तकरीबन 14-14.5 क्विंटल के आसपास हो जाता है। इसके जो हम ड्रम साइज की बात करें, इसका ड्रम का साइज होता है 64 इंच। सर ये ड्रम के ऊपर एक ये मैं अलग से कुछ देख रहा हूँ, ये क्या है? ये इसका एक हैंडल लगा हुआ है, इससे आप जैसे भुट्टे को डालते हो, या तो छील के डालते हो या बिना छीले हुए डालते हो, उसकी सेटिंग के लिए है ये। सर ये पेटी क्या के लिए लगाई गई? ये पेटी इसलिए है, जैसे कई बार कोई भुट्टा रह जाता है ना, दाना लगा रहता है भुट्टे वाला, वो हम जहाँ से डाल सकते हैं इसको। सर किसान भाइयों को आपकी कंपनी के बारे में जानकारी दीजिए। जो हमारी कंपनी है पंजाब फरवाही रोड बरनाला में है, प्रिंस एग्रो इंडस्ट्री और प्रिंस दंदीवाली एग्री वर्कस करके हमारे 2 ब्रांड है इसके। तो हम पिछले लंबे समय से 1984 से हम मतलब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ सब्सिडी के लिए अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सभी स्टेटों में इसमें सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी स्टेट के हिसाब से आती है, अलग अलग तो जैसे 40,000-50,000 अलग अलग स्टेटों के हिसाब से मिल जाती है। हम इसके अलावा अनाज को साफ करने वाली मशीनें बनाते हैं, जो अनाज किसी भी प्रकार का हो, सभी प्रकार का अनाज साफ हो जाता है उनसे, वो मशीनें हम बनाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो कन्वेयर के साथ आता है, एक विदाउट कन्वेयर के साथ आता है। ये कई बार कोई किसान कन्वेयर नहीं लेना चाहता, वो डायरेक्ट इसके ऊपर हॉपर बन जाता है, डायरेक्ट उसमें फिर हॉपर में माल डालना पड़ता है।